हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं केवल एक इंग्रेडिएंट से बनने वाली बेकरी स्टाइल चॉकलेट डेकोरेशंस। तो फ्रेंड्स, ये वो चॉकलेट डेकोरेशंस एंड चॉकलेट मोल्डिंग्स हैं जो केक का लुक इंस्टेंटली इन्हांस कर देती हैं और उसको इंस्टेंटली बेकरी वाला लुक आ जाता है। तो बिना देर के जल्दी से शुरू करते हैं बनाना हमारी चॉकलेट डेकोरेशंस। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो हमारी चॉकलेट डेकोरेशन बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए होगी चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 150 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड चॉप करके और अभी हमको इसे मेल्ट करना है। तो इसके लिए मैंने एक पतीले में पानी एकदम गर्म कर लिया है, ऑलमोस्ट उबल रहा है ये। इसके ऊपर हम रख देंगे अपना चॉकलेट वाला बोल और अब आँच को एकदम धीमी करके हम चॉकलेट को मेल्ट हो जाने देंगे। साथ ही इनकेस आपके पास डार्क चॉकलेट कंपाउंड अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे डेरी मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चॉकलेट हमारी मेल्ट होके एकदम स्मूथ हो चुकी है और अब बिल्कुल सिमिलर तरीके से 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट भी मैंने चॉप करके ले लिए एक बोल में और इसको भी हम एकदम स्मूथ हो जाने तक मेल्ट कर लेंगे एकदम डार्क चॉकलेट की तरह। और अगर आपके पास व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड नहीं है तो आप उसकी जगह पे कोई भी व्हाइट चॉकलेट जैसे कि मिल्की बार वगैरह इसको भी मेल्ट करके चॉकलेट डेकोरेशन बनाने में यूज कर सकते हैं। हमारी दोनों तरह की चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और अभी इस चॉकलेट को हमें थोड़ा सा ठंडा हो जाने देना है। हर एक चॉकलेट डेकोरेशन बनाते हुए हमें हल्की सी ठंडी चॉकलेट ही यूज करनी है, एकदम गर्मा गर्म मेल्टेड चॉकलेट नहीं यूज करनी है। और हमारी ये जो डार्क चॉकलेट है वो अभी तक हल्की सी ठंडी हो गई है और इस चॉकलेट को हम अभी ट्रांसफर कर लेंगे एक कोन में। तो इस कोन पे भी हम एकदम हल्का सा कट लगा लेंगे। नाउ ये चॉकलेट डेकोरेशन बनाने के लिए मैंने इस तरह की एक शीट ले ली है। ये OHP शीट है जो किसी भी स्टेशनरी शॉप में बड़े आराम से मिल जाती है। आप चाहें तो इसके बजाय किसी भी मोटी और टाइट प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। तो अब इस प्लास्टिक शीट के ऊपर हम डार्क चॉकलेट कोन से डायगनली वीडियो में दिखाए गए तरीके से रफली जिगजैग पैटर्न बना लेंगे। और अब इस शीट की चॉकलेट को हमें थोड़ा सा सेमी सेट हो जाने देना है, मतलब जब हम इसको छुएं तो ये हमारे फिंगर में नहीं स्टिक होनी चाहिए, इतना हमें इसको सेट हो जाने देना है। 2 मिनट के बाद टच करने पे ये चॉकलेट हमारे फिंगर में स्टिक नहीं हो रही है, मतलब ये सेमी सेट हो चुकी है। और अभी मैंने ले लिया ये मेल्ट की हुई व्हाइट चॉकलेट और ये व्हाइट चॉकलेट कम्प्लीटली मेल्टेड है लेकिन ये गर्म नहीं है अभी। तो यहाँ पे मैं रफली ये व्हाइट वाली चॉकलेट डाल दे रही हूँ और एक स्पैटुला या चम्मच की हेल्प से मैं इसको हर तरफ फैला लूंगी। तो यहाँ पे हमें जो दूसरी चॉकलेट यूज करनी है वो गर्म कतई नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ये गर्म होगी तो ये पहली वाली चॉकलेट लेयर में डालते ही उस वाली लेयर को पिघलाना शुरू कर देगी, यानी कि मेल्ट करना शुरू कर देगी। ये दूसरा वाला चॉकलेट डालने के बाद भी हमें इसको सेमी सेट होने देना है फिर से। ना 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और ये देखिए टच करने के बाद ये हमारे फिंगर में स्टिक नहीं हो रही है तो ये भी सेमी सेट हो चुकी है। ना अब मैं ले रही हूँ इस तरह का एक कुकी कटर, आप चाहें तो इसकी बजाय कोई भी और ढक्कन जैसा भी ले सकते हैं। और अब इस कुकी कटर से हम गोल गोल राउंड शेप्स क्रिएट कर लेंगे और एक्चुअली इसीलिए हमें ये सेमी सेट चाहिए थी क्योंकि सेट हो जाने के बाद में मुश्किल हो जाता है करना। और इसी के साथ बेकरी जैसा डिजाइन बनाने के लिए इन राउंड शेप्स के अंदर भी मैं कुछ एक राउंड शेप काटूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ढक्कन ले लिया है, ये एक्चुअली रुआफजा का ढक्कन है और इससे भी मैं अंदर राउंड शेप काट लूंगी। और अब इस चॉकलेट डिजाइन वाली शीट को हम जाके रख देंगे फ्रिज में करीब 10 से 15 मिनट के लिए कम्प्लीटली सेट हो जाने के लिए। अब बारी है अगले तरह की डेकोरेशन की और दोनों चॉकलेट्स मैंने पाइपिंग बैग्स में ट्रांसफर कर ली हैं। इसके लिए भी हमें चाहिए होगी OHP शीट, आप चाहें तो इसके बजाय किसी भी मोटी और टाइट प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। और व्हाइट चॉकलेट वाली पाइपिंग बैग से हम पूरी प्लास्टिक शीट पे छोटे छोटे डॉट्स जैसे बना लेंगे और अब इन व्हाइट डॉट्स को हम थोड़ा सा सेमी सेट जैसा हो जाने देंगे। तो ये व्हाइट चॉकलेट सेमी सेट हो चुकी है, मतलब जब टच कर रहे हैं हम इसको तो फिंगर में ये चिपक नहीं रही है। और अब इसके ऊपर हम डार्क चॉकलेट पोर कर लेंगे और पूरी की पूरी शीट हम डार्क चॉकलेट से कवर कर लेंगे और इसे स्पैटुला की हेल्प से फैला लेंगे। अब डार्क चॉकलेट को भी सेमी सेट करेंगे। सेमी सेट होने के बाद इस शीट पे हम चाकू की हेल्प से स्क्वायर जैसे कट से निशान लगा लेंगे और अब केयरफुली वीडियो में दिखाए गए तरीके से इस शीट को हम फोल्ड करके इलास्टिक से सिक्योर कर देंगे और करीब 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब बनाएंगे चॉकलेट रोल्स। इसके लिए छोटी सी प्लास्टिक शीट्स ले ली है मैंने और अब इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक व्हाइट चॉकलेट से जिगजैग लाइंस बना लेंगे। और अब जिस कॉर्नर से व्हाइट लाइंस बनाई थी उसके ऑपोजिट वाले कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए
सिमिलर तरीके से डार्क चॉकलेट से भी जिगजैग पैटर्न बना लेंगे और अब प्लास्टिक शीट के दोनों एंड्स को मिलाते हुए जिससे कि दोनों साइड्स की चॉकलेट एक दूसरे से टच हो हम इसे रोल कर लेंगे और दो रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। इन्हें भी 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे एकदम थिन चॉकलेट मोल्डिंग, मतलब ऐसी मोल्डिंग जिनको आपको केक के ऊपर केवल रखना होता है, सेट भी नहीं करना होता है प्रिक करके। तो अब मैंने ले ली है कि एक OHP शीट और इस पे हम अपनी मेल्टेड चॉकलेट फैला लेंगे और शीट पे चॉकलेट को हम सेमी सेट हो जाने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेल्टेड चॉकलेट थोड़ी सी सेमी सेट हो चुकी है। तो अभी मैंने ले लिया है इस तरह का एक केक कोन और इसमें स्ट्रेट लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो टूथपिक से भी इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही एक टूथपिक की हेल्प से इस तरह से मैं सेंटर से भी इसका डिवीजन कर ले रही हूँ। और अभी मैंने रफली फोल्ड कर लिया है अपनी शीट को और इसको मैंने रबर बैंड से सिक्योर कर लिया है। तो अभी 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे जाके फ्रिज में। तो अब हम बनाएंगे एक ऐसी चॉकलेट डेकोरेशन जिसके लिए हमें OHP शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इको बेक और इससे हम अपने जरूरत भर का इको बेक अलग कर लेंगे रोल में से। इको बेक को हम अपने हाथों के हेल्प से क्रश कर लेंगे अच्छे से और वापस इसको ओपन कर लेंगे। अब इसको मैं रख रही हूँ थाली को उल्टा करके, उसके ऊपर मैंने इको बेक रख लिया है। इस पे अब मैं डाल रही हूँ व्हाइट कलर वाली मेल्टेड चॉकलेट और इस चॉकलेट को बस हम फैला देंगे, कोई पैटर्न नहीं फॉलो करना है, बस सिंपली रफली फैला दीजिए। हल्का सा टैप करेंगे थाली को ताकि बराबर हो जाए चॉकलेट। और अभी इसको सेट होने के लिए हम फ्रिज में जाके रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट टाइप की चॉकलेट मोल्डिंग और यहाँ पे हम पतले पतले लॉन्ग एंड मोल्डेड ट्राइंगल्स बना रहे हैं। तो अब मैंने ले ली है इस तरह की एक OHP शीट और साथ ही यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी करीब एक चम्मच मेल्ट करी हुई व्हाइट चॉकलेट भी मैंने ली है और इससे मैं आधी OHP शीट पे हम जिगजैग जैसा पैटर्न क्रिएट कर देंगे। और अब इसको बिल्कुल हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, मतलब इतना ठंडा कि छूने पे ये चिपकनी नहीं चाहिए फिंगर में। हमारी व्हाइट चॉकलेट सेमी सेट हो गई है। तो अब हम ले लेंगे अपनी मेल्टेड वाली डार्क चॉकलेट और ये भी हल्की ठंडी हो गई है, मतलब इतनी गर्म नहीं है कि चॉकलेट के ऊपर डालते ही चॉकलेट मेल्ट हो जाए। तो अपनी ये वाली चॉकलेट हम इस शीट पे फैला लेंगे और अभी इस चॉकलेट को भी हम सेमी सेट हो जाने देंगे। और ये देखिए चॉकलेट यहाँ पे सेमी सेट हो चुकी है। तो अभी हम इस पे कट्स लगा देंगे और इस पे हम वीडियो में दिखाए गए तरीके से निशान लगा लेंगे, मतलब सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेंगे और उसके बाद इसके ट्रायंगल जैसे बना लेंगे चाकू की हेल्प से। इस शीट को हम हाथ में लेके इसके एक साइड से दूसरे साइड तक रोल कर लेंगे और अभी इलास्टिक से या फिर रबर बैंड से इसको लूजली सिक्योर कर लेंगे। और अभी इसको हमें सेट होने के लिए रख देना है फ्रिज में करीब 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, अब एक लास्ट जो डेकोरेशन है ना वो मैं मोल्ड में बनाने जा रही हूँ। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपसे शेयर किया था कि मैंने इस बार सिलिकॉन का चॉकलेट फैन मोल्ड भी परचेज किया है। तो उसी फैन मोल्ड में मैं अभी बची हुई हमारी डार्क चॉकलेट जो है वो ट्रांसफर कर ले रही हूँ इसके हर एक मोल्ड में। चॉकलेट डालने के बाद अब हम इसे ऊपर से किसी चाकू या स्पैटुला की हेल्प से बराबर कर लेंगे और अभी इसको ले जाके हम फ्रीजर में रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए सेट हो जाने के लिए। करीब 15 मिनट के बाद अभी बारी आती है हमारी सारी की सारी चॉकलेट मोल्डिंग्स को फ्रिज से बाहर निकालने की। तो एक एक करके हम इनको निकालते चले जाएंगे और अब एकदम स्लोली हम इन्हें बाहर निकालेंगे लाइक दिस। और ये देखिए कितना सुंदर राउंड बना है, इतनी सुंदर हमारी डेकोरेशन बनके तैयार हुई है। इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल के रखते जाएंगे और बिल्कुल सेम तरीके से हम सारे के सारे सर्कल्स निकाल लेंगे और अंदर वाले सर्कल को बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए निकालना है आपको। और ये देखिए सारे के सारे चॉकलेट डेकोरेशन हमने निकाल लिए हैं और हमारी होममेड मार्केट स्टाइल चॉकलेट डेकोरेशन है बिल्कुल तैयार। और इन मार्केट स्टाइल चॉकलेट डेकोरेशन या फिर चॉकलेट मोल्डिंग्स को हम फाइनली अपने केक में मन चाहे तरीके से डेकोरेट कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइप की चॉकलेट डेकोरेशन को शीट से अलग कर लेंगे और अब हल्के हाथों से रबर बैंड हटाते हुए हम मोल्डिंग्स निकाल लेंगे शीट से। एंड लुक एट दिस, कितनी सुंदर शाइनी और एकदम मार्केट के जैसी चॉकलेट डेकोरेशन बनी है। तो ये हो गया हमारा पोल्का डॉट वाला डेकोरेशन चॉकलेट मोल्डिंग का। चॉकलेट मोल्डिंग्स भी और चॉकलेट रोल्स भी बहुत सुंदर बने हैं। तो ये देखें, ये बन गए हमारे सारे के सारे चॉकलेट रोल्स। बेहद सुंदर चॉकलेट डेकोरेशन बनी है और मैं आपको इनको केक के ऊपर डेकोरेट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए इंस्टेंटली ग्लो आ जाता है केक में जैसे ही इनसे हम डेकोरेट करते हैं केक को। तो अपनी थिन वाली मोल्डिंग भी हम निकाल लेंगे और इसकी OHP शीट धीरे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं पास से आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी चॉकलेट डेकोरेशन बनी है ये देखिए। तो अब अपनी चॉकलेट मोल्डिंग्स को हम केक के ऊपर डेकोरेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप की चॉकलेट डेकोरेशन को शीट से अलग कर लेंगे और जो कट्स चिपके रह गए हैं वो भी हम सेपरेट कर लेंगे। और ये देखिए हमारे कितने अच्छे मोल्डिंग्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। इन ट्रायंगल्स को आप अपने हिसाब से सेट करके और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेकोरेशन बना सकते हैं, जैसे कि आप इससे क्राउन बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं।
तो व्हाइट चॉकलेट वाली डेकोरेशन भी अभी हम देख लेते हैं। अपने व्हाइट चॉकलेट से हम अलग कर लेंगे एको बेक को। और ये देखिए जो क्रश्ड वाला पैटर्न है पेपर का, वो आ चुका है हमारी चॉकलेट में। जब भी हमें यूज़ करना हो तब हम इसको तोड़ के इसके पीसेस करके यूज़ करें अपने केक में या डेजर्ट में। और मैंने अभी इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे मैं इसे केक में यूज़ करती हूँ। नाउ नेक्स्ट डेकोरेशन, और अभी हम इससे चॉकलेट फैंस भी निकाल लेंगे। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितने प्यारे चॉकलेट फैंस बने हैं। और इसी तरह से सारे चॉकलेट फैंस निकाल के हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी चॉकलेट डेकोरेशन बनाई है लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं उनको अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।